मुस्तफा ही तो तनहा ताज वाला है। जी जी बेशक बेशक वाह बेशक जी। जरा जुमला मुलाहिजा फरमा लें जी, दो घंटे का मजमून सिमट गया जी। ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का है। वाह 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 ताज वाले देखकर, ताज वाले देखकर जी सर वाह। एक को कम करो हटा दो एकदम, जैसे मैं सादा हूं वैसे ही माइक सादा करो। आवाज साफ मिल रही है आप लोगों को? मेहनत करो स्टेज पे चीख कर जान दे दो, दो लफ्ज ना समझा सको तो फायदा क्या। जी 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 बेशक बेशक हक बात है। मुस्तफा ही तनहा ताज वाला है बेशक, बोलोगे तो बोल दूंगा जी। हजरत मुस्तफा ही तनहा ताज वाला है और ये चुना हुआ जनता का नहीं है जो 5 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़े जी। आदमी का इंतखाब और है, रब का इंतखाब और है बेशक बेशक। और जो इसी को ना समझ सका वही अहले सुन्नत के लिए काबिले गौर है। जी 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 बेशक वाह। मुस्तफा पूर ताज वाला, ताज वाले नौजवानों को मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस बात की मुबारकबाद नहीं दूंगा कि आपने हमको बुला लिया है, मुझसे अच्छे अच्छे मेरी जमात के हैं। मौलाना कहाँ चले गए हमारे? हाँ क्या नाम है? मौलाना नाजिम साहब। जब कोई प्रोग्राम कैंसिल होता है तो मुझे खुशी बहुत होती है, चलो कुछ तो दूसरा काम कर लेंगे जी जी। इसलिए कि बलियावी के जिम्मे सिर्फ तकरीर नहीं है। सही बात, हम तकरीरों से जिंदगी की रमक तो रख सकते हैं, जिंदा नहीं रख सकते। सुने उलमाए कराम आज कुछ फिक्र की लिखे, हम तकरीरों से तहरीक तो कर सकते हैं जी, तामीर नहीं बेशक। हम तकरीरों से जहन साजी तो कर सकते हैं, नस्लों की तामीर नहीं कर सकते। इसलिए कि हमें मालूम है अल्फाज हवाओं में उड़ जाते हैं जी, जमीन पे रखी हुई ईंटें सीना तान कर गवाही देती है। तो मुबारकबाद इस बात की, मुस्तफा पुर ताज के नौजवानों ने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जी जी बेशक। इस्लाहे हिंद की बात नहीं की, इस्लाहे मुआशरा बेशक। इस्लाहे बिरादरी की बात नहीं की, थोड़ा और कम करो। यानी जो इस्लाम वालों का मुआशरा है इसमें कहां से गंदा पानी आ रहा है जी, इसको कैसे रोका जाए। और याद रखना जब बॉडी में वायरस घुस जाए जी तो एंटीवायरस आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है,
जब मोबाइल के डब्बे में वायरस घुस जाए तो चौक कर जाता है। सोच लो कि जो साफ सुथरा शफाफ मुस्तफा जाने रहमत ने ईमान वालों को एक सेट दिया था जी, एक सेट दिया था, और ये वो सेट है कि थोड़ी सी आप उंगली सही जगह पर रखते जाओ। वाह 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 वाह, तो फर्ज भी है, क्या बात है, वाह, वाजिब भी है, मौकदा भी है जी, गैर मौकदा भी है, अजमते काबा भी है, हुरमते सहाबा भी है, वाह वाह वाह, रिफाते गुंबदे खजरा भी है, तौकीरे मुस्तफा भी है, बेशक जन्नत की शौकते भी है, वलियों का तकद्दुस भी है, सब इसी में है, लेकिन शर्त यह है कि सेट सही लिया कि नहीं लिया जी। अब जी लगा कर दुरूद पढ़ें तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلیفہ حضور سرکار آقائے نعمت مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا انوار صاحب نے جی انوار مفتی انوار صاحب قبلہ دامو فیضکم تشریف فرما ہے नाजमी इजलास ने मेरे ताल्लुक से जो कुछ कहा हुसने जन है, मैं तो जानता हूं कि जब तक सांस है तब तक लड़ना है जी जी जी, बेशक बेशक, गैरों से भी लड़ना है, अपनों से भी लड़ना है, थोड़ी कम करवा, सीटी क्यों बोल देने लगता, वैसा है ना कि दूसरों की रियायत मत करो मेरी तरफ, हाँ हम अपनी सेहत के हिसाब से चलते हैं जी। मैं क्या कह रहा था, अपनों से भी लड़ना है, दूसरों से भी लड़ना है, अपनों से भी लड़ना है, गैरों से भी लड़ना है जी। लेकिन मेरे मुस्तफा ने ये नहीं बताया कि लड़ो तो खून निकले, वजूद घायल करके जहन बदलना ये हिटलर का काम है जी। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, जिस्म घायल करके जहन बदलना ये हिटलर का काम है, आग दिखाकर किसी को खौफ ज़दा करना जी ये नमरूद का काम है, लेकिन बगैर ऑपरेशन की ये कुफ्र निकाल देना ये मुस्तफा के गुलामों का काम है। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब जी हजरत। अब जरा ऐसा स्टेज सुनने के मूड में आ जाए तो मैं कुछ निकात अर्ज करूं, बाकिया जन्नत की चाबी जितने हजरत लेके घूम रहे हैं मेरे ही पास है, माफ करना। क्या हुजूर अपनी पक्की है कि नहीं कौन जानता, हाँ कोई बहलोल दाना मिल जाए तो मैं भी खरीद लूंगा। वाह 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 वाह, तो आज कुछ कड़वा घोट आपको पीना ही पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि अगर बड़े बुजुर्गों ने आज कड़वा घोट पी लिया और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ला दिया तो इसका असर आने वाली नस्लों पर पड़ेगा, इसलिए कि मेरे आका नबी भी हैं, मसीहा भी हैं, मेरे मुस्तफा रहमत भी हैं, अता भी हैं
जी बेशक। तो थोड़ी देर बंदगी की गुफ्तगु, थोड़ी देर जिंदगी की गुफ्तगु। इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा है। उलमा इकराम की तवज्जो। जी जी बिल्कुल मुकम्मल। हजरत दुआओं के साथ बिल्कुल हसास नुक्ता आ गया। पूरी दुनिया में हंगामा। मुसलमानों के बच्चों की सेहत और पर्सनालिटी की नहीं, मुसलमानों के मकानों की नहीं, मुसलमानों के मोहल्लों की मस्जिदों की नहीं, मुसलमानों की तिजोरियों के सिक्कों की नहीं, पूरी दुनिया में दहशत है तो सिर्फ इस्लाम से। तवज्जो चाहूंगा। आज कोई किसी पर रिसर्च नहीं कर रहा। जी जी सब इस्लाम पे लगे। जी लेकिन आज सारी दुनिया की लिबर्टी में इस्लाम पर रिसर्च हो रहा। जी 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 बेशक। सुन लो ऐसी ऐसी तकरीर कभी कभी मिलेगी सुनने को। बोलोगे तो बोलूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं रंग में बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा उलमा इकराम। जी 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 जी। ऊपर वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना, मेरी भी जल्दी छुट्टी होगी। चूंकि ये आयते करीमा सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए थोड़ी उतरी है। जी हर मुसीबत की घड़ी। जी 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 आयत की तिलावत करो तो इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। जी जी नहीं, जिक्र नबी का हो और वारिस नबी चुप हो। जी 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 वाह 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 वाह। तो ये बोले तो आप बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ के सो जाना। जी जी बोल दो आगे से लेकर पीछे तक। अरे सदरुल फाजिल की मिट्टी है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी कुछ कुछ पागल अकल के टूहरे कहते आला हजरत ने दारुल उलूम नहीं खोला। जी कुछ सऊदीया के ज़कात खोर कहते के इमाम अहमद रजा ने बनाया क्या। और कुछ सऊदीया के ज़कात खोरों के रिश्तेदार बोलते जी के इमाम अहमद रजा ने दिया क्या। बलिया भी कहता अकल के टूरों पढ़े लिखो को आला हजरत समझ में आते हैं। हक बात है, हक हक बात है हजरत, बिल्कुल हक बात है, हक बात है, बेशक बेशक बेशक। पढ़े लिखो को आला हजरत समझ में आते हैं। जी 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 वाह वाह वाह। इमाम इसको मोहब्बत नहीं, मौलाना नहीं पैदा किया। मेरे आला हजरत ने तो मुल्क पैदा किया। मुल्क मुल्क कब बोलोगे कब बोलोगे कब बोलोगे। ऊपर वाले कैच कर लिए होते तो अब तक। इधर यही समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या गया। वाह वाह जबरदस्त माशाल्लाह। मेरे आला हजरत ने मुल्क पैदा किया। बहुत खूब जी हक बात। तवज्जो चाहूं हक बात है हजरत। मुल्क पैदा हक बात है, हक बात है जी। सदरुल फाजिल जी आहा एक मुल्क है जी। अल्लामा सरदार अली जी एक मुल्क है। वाह वाह। मलिकुल उलमा वाह 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 वाह। मुल्क आए है वाह। मुजाहिदे मिल्ला आए है सुभान मुल्क जी। सदरु शरिया एक मुल्क, मुल्क है। वाह। मुफ्ती आजम एक मुल्क है। और इन सारे ममालिक का निगहबान
शरिया हुआ है। वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत, ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। और निगहबान की जिम्मेदारी यह होती है कि मुल्क लूटे नहीं, मुल्क टूटे नहीं, मुल्क बिखरे नहीं, मुल्क तबाह ना हो, मुल्क की हुरमत का ख्याल, मुल्क की अजमत का ख्याल। बलिया भी कहता गरीब नवाज की चिश्तियत की चौखट कहे अहमद रजा मेरे है, मखदूमे अशरफ की सखावत कहे इमाम अहमद रजा मेरे है, हजरत अबुल हक पंडबी कहे इमाम अहमद रजा मेरे है, शाह बरकतुल्ला कहे इमाम अहमद रजा मेरे है, मीर मोहम्मद बिलगरामी कहे इमाम अहमद रजा मेरे है। आज हर सुन्नी कह रहा है इमाम अहमद रजा मेरे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाल, मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहेब क़िबला। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاتم وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। पूरी दुनिया की लिबर्टी में ये रिसर्च हो रहा है। क्या रिसर्च हो रहा? इस्लाम टिका क्यों है? इस्लाम टिका क्यों है? इस्लाम बचा क्यों है? इस्लाम दिखता क्यों है? इस्लाम दिखता क्यों है? इस्लाम टिका क्यों है? इस्लाम टूटा क्यों नहीं? इस्लाम सिमटा क्यों नहीं? इस्लाम रुका क्यों नहीं? इस्लाम सिमटा क्यों नहीं? अब तारीख पलटो, तारीख पलटो। बलियावी दावे के साथ कहता जी वाह, धर्म और धार्मिक किताबें मार्केट में बहुत हैं। जी जी सुन लीजिए, काम आएगा। मुनाजरा पकड़ के जी, गट्टा पकड़ के बोलिएगा, प्रैक्टिकली साबित कर देता हूं इस्लाम क्यों सच्चा मजहब है। आप बोल दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह है। इतना कुछ होने के बाद ये टीका क्यों है जी? ये टीका क्यों है? धरती पर धर्म की कमी नहीं है मौलाना जी। जी जी धरती पर धर्म जी हजरत जी जी धर्म की कमी नहीं, कमी नहीं है जी। यहाँ तो माबूद इतने मिलेंगे जी के पुजारी उतने नहीं होंगे जी। जी 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 वाह 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 वाह, समझ गए हो तो बोल। वाह वा, जी जी बेशक जी 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 जी, माबूद इतने मिलेंगे जी के पुजारी पुजारी उतने नहीं है जी, लेकिन ये इस्लाम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बोल दो बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोल दो जोर से, बोलो वाह वाह बोलो, क्या बात है। नहीं नहीं अहले, लेकिन इस्लाम अहले स्टेज को, अगर अगर अहले स्टेज को लगता है कि मैं सही समत और सही नब्ज पर हाथ रखा हूं तो खामोश रह करके मोहब्बतों का इजहार न करें। हाँ, इसलिए कि एक्शन ऊपर होगा तो रिएक्शन नीचे होगा। जी 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 बिल्कुल। हाँ, मैं कतई इसका कायल नहीं हूँ। हमें लगता है कि मुरादाबाद के ज़िले में बड़ी मुश्किल से ये दो दिन मैंने निकाल लिया था, वो भी कई साल के बाद जी। तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है जी? इस्लाम धर्म बहुत हैं, इतने पुजारी नहीं है जितने खुदा हैं, सब बात चली रही। बात समझ में आ गई कि भीड़ बहुत है, लोग नहीं है जी। बात ये तो चल रही थी और मैं अपना एक मिनट बर्बाद नहीं करता हूं। जी जी बेशक।
धर्म बहुत बहुत है जी। माबूद इतने हैं कि उतने पुजारी भी नहीं, पुजारी नहीं। लेकिन इस्लाम प्लीज 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 ए हीरो सुनना है सुनो वरना घर जाओ यार। मुलायजा फरमाइए जी। लेकिन अब्बलियावी यहां बिल्कुल दो टुक नहीं खुल करके आपको आंख से दिखा दे। जी 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 बेशक बोलोगे तो बोल बेशक बेशक बेशक, बेशक। जोर से जोर से ओए जोर से। इस्लाम के मानने वालों का सिर्फ एक खुदा है। वाह वाह वाह। सिर्फ एक खुदा है। एक खुदा है जी। और वो भी मेरा खुदा ऐसा जो किसी के लड्डू पानी का मोहताज नहीं है। तवज्जो चाहूंगा जी। लड्डू पानी का मोहताज जी 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 बेशक। अब आप सोच लो जिसका माबूद ही पुजारी के पानी का मोहताज हो। अरे वाह 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 बहुत खूब हजरत क्या बात है। काश भाई वाह समझ में आ जाए। हाय हाय वाह वाह। जिसका माबूद ही पुजारी के पानी और लड्डू का मोहताज हो जी वो भक्तों को क्या खिलाएगा। लेकिन मेरा खुदा वो जो खाता नहीं खिलाता है। जोर से जी सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। मेरा खुदा साले साल पैदा नहीं होता। आए वाह 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 बहुत खूब हजरत बहुत खूब क्या बात। मेरा खुदा जी 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 साले साल पैदा नहीं होता जी। अब बलियावी कहता हो प्रोफेसर लेक्चरर जी इंटेलेक्चुअल जब हर साल पैदा होता तो पिछले साल वाला क्या होता। वाह 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 समझे कि नहीं समझे। अरे बोलो ना जी। बूढ़े समझे ना समझे मोबाइल चलाने वाला समझ रहा होगा। खबर लेता हूं थोड़ी देर में। बेटों को बहुत कीमती मोबाइल दिए हो ना। खबर लूंगा जी। तेरे बलियावी की सेहत पर इसका असर नहीं कि कौन नाराज होता कौन खुश होता। जख्म है नासूर बनेगा ऑपरेशन करके निकाल दो यही आलिमाना मनसब है। रिसर्च हो रहा पूरी दुनिया में कि इस्लाम थकता क्यों नहीं इस्लाम रुकता क्यों नहीं इस्लाम ठहरता क्यों नहीं। मुसलमानों के हौसले टूटते क्यों नहीं। आखिर इनका दिल कितना मजबूत है कि जुल्म के हजार पत्थर खाने के बाद मुस्तफा 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 वाह 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 जी बहुत खूब। आखिर ये जुनून पैदा किसने किया। ये जुनून पैदा किसने किया। और इस जुनून के उतारने के लिए असलहा कौन सा है। तवज्जो चाहो अहले इल्म की हुजूर दुआओं की वो कौन सी दवा है जिसे दे दो तो ये उतर जाए नशा। जी तो मेरे मुस्तफा के सच्चे आशिकों ने कहा अब तक दुनिया में कोई दवा बनी नहीं है। कब बोलोगे बोल दो बोल दो। बहुत खूब माशाल्लाह। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से बोल यार यहां से। वाह 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 वाह। रिसर्च हो रहा अब आंखें खोल।
भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कारगिल के बॉर्डर से लेकर मणिपुर तक और फिर कोयंबटूर के आगे केरल की सरहद से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक हजरत जी बेटे जल्दी करो। हाँ अभी 5-7 मिनट डिस्टर्ब करेंगे, वहीं से पर्दा उठा के निकल जाओ भाई। हाँ बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की तवज्जो। जी जी आंखें खोलो मैं इस्लाम दिखा दूं थोड़ा सा। जी 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 इरशाद इरशाद आंखें खोल लो। एक तनहा भारत में बहुत लोगों ने रिसर्च किया तो सिर्फ 5 मजहब मिला, सिखिज्म जी 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 वाह, बुद्धिज्म, आर्या, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। अब आंखें खोलो। लेकिन पूरे भारत के हर गांव में नहीं मिलेगा। जी हर गांव में नहीं मिलेगा, हर गांव में नहीं, बेशक हक बात, हर स्टेट में नहीं मिलेगा। लेकिन वाहरे इस्लाम आए, कोई बोल दो बोल दो बोल दो। भारत का कौन सा इलाका है जहां मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह की वहदानियत की सदा ना आती हो? मेरे मुस्तफा की रिसालत और नबूवत की गवाही के ऐलान ना होते हो? अब यहीं रोक लीजिएगा। कुछ पागलों ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि इस्लाम ही हक मजहब है। जी बड़ा हसास नुक्ता है। जी 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 हजरत खलीफे मुफ्ती आजम ने कहा कुरान कहता है। जी 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 अगले ने कहा वो आपके कुरान की बात है मैं क्यों मानूं। इन्होंने कहा मेरे नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया। अगले ने कहा वो आपके नबी थे मैं क्यों मानूं। इन्होंने कहा मेरे पैगंबर के उंगलियों के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, डूबा सूरज लौट आया। कहा वो आपके नबी थे मैं क्यों मानूं। आ कादरी फकीर का पाला हुआ बलियावी है, नाक रगड़वा के आंख से दिखा के मनवा देगा। तवज्जो चाहो। जी अकबर जी 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 आया मुरादाबाद में। जी जैसे ही शहर में दाखिल हुआ दिल्ली रोड पर आया, देखा एक जमीन के टुकड़े पर मंदिर है, उसी के कुछ फासले पर एक टुकड़े पर गुरुद्वारा है थोड़ा बड़ा। जी एक टुकड़े पर गिरजा है और आगे बढ़ा, एक टुकड़े पर कनीसा है और आगे बढ़ा, एक टुकड़े पर मस्जिद है। जी सुभान अल्लाह। जी जी तवज्जो चाहो मौलाना। जी जी बिल्कुल। कहीं घंटी और शंख बज रहा, जी कहीं मोमबत्ती जल रही, कहीं सलीब लटका है, कहीं वाहे गुरु हो रहा, कहीं वाहे गुरु हो रहा। जी
और जो बिल्कुल आखिर में था वहां मुअज्जिन कान में उंगली डाल के अजान पढ़ रहा है। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है आंखें खोल, प्लीज बैठ जा बेटे, बैठ जा प्लीज प्लीज जल्दी। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है मुअज्जिन ने अजां की सदा बुलंद कर दी। देखा एक पंजाबी भाई अपने बीमार बेटे को लिए मस्जिद की तरफ भाग रहा। आहा, 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 वाह वाह जी बेशक बेशक हक बात है हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह वाह 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 वाह। अरे वाह, अरे ये मस्जिद है, मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है, मस्जिद है गुरुद्वारा नहीं है। भारत का हमारा पंजाबी भाई बोल पड़ा बलिया भी मैं मस्जिद ही समझ के जा रहा हूं। आंखें खोल मुसलमान, प्लीज बेटे ए ऐसा नहीं करो, बैठो या तो घर जाओ। देखा कोई गेरुआ वस्त्र डाले हुए शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ, वाह वाह मस्जिद की तरफ, वाह हक बात है बेशक। मैंने कहा कि ये आप यहां क्या घर वापसी का इरादा है? बोले नहीं नहीं मैं सच मान के आ रहा हूं। जैसे ही थोड़ी दूर चंद लम्हे भी न बीते थे, रख दो यार रख के जल्दी जाओ, सुन लो यही बड़ा नजराना है, बोल लो बोल लो, अरे रंग में आके बोल लो, सुभान अल्लाह। जैसे ही देखा एक भारत की बेटी अपने आंचल में अपनी औलाद को छुपाए लिए मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ। जैसे ही आगे आई मैंने कहा मैडम आप कहां? बोल पड़ी बेटा बीमार है, दवा काम नहीं कर रही। तवज्जो चाहूं, मैंने कहा ये मस्जिद है, मस्जिद सिर्फ चटाई मिलेगी। सुनोगे तो बोलूंगा, सिर्फ चटाई मिलेगी, कुरान करीम के कुछ नुस्खे मिलेंगे। बेटा बीमार है तो एम्स ले जाओ, लोहिया ले जाओ, पीजीआई ले जाओ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ, यहां एक्सरे नहीं है, यहां अल्ट्रासाउंड का इंतजाम नहीं है। भारत की बेटी बोल पड़ी एक्सरे हो चुका है, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, मेडिसिन चल रही है, पानी भी चढ़ चुका है, लेकिन दवा काम नहीं कर रही। मैंने कहा तो काम कराने के लिए यहां क्यों? तो सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, पंजाबी भी, आर्या भी, सब एक जबान होकर बोल पड़े, सब बोल पड़े। गुरु नानक का मानने वाला बोल पड़ा, पूछता वहां हूं मिलता यहां से है। वाह 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 वाह, पूछता मिलता वाह यहां से है। देखा एक लंबी कतार, कोई शीशी में पानी, कोई बोतल में तेल, कोई बीमार औलाद लिए मस्जिद के दरवाजे खड़ा है,
एक फूंक मार दो, एक दम कर दो। मैंने कहा ऑनलाइन लगा कर खड़ा होने वालों, ये वही पंचर बनाने वाला अब्दुल्ला है, ये वही मुर्गी बेचने वाला अब्दुल करीम है, ये वही खेत जोतने वाला अब्दुल लतीफ है। तो भीड़ जो लगी है सबने एक जबान होकर कहा, मैं अब्दुल्ला को नहीं जानता लेकिन अब्दुल्ला जिसका सजदा करके आ रहा है वो बड़ा पावर वाला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवारुल हक़ साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। बहुत खूब हजरत, बहुत। तो जिस इस्लाम ने सारी दुनिया को दावत दिया, आए है जवाब नहीं, अरे जवाब नहीं, माशाल्लाह, दावत दिया की करीब आए है। वाह वाह वाह, बलिया भी पूरे डंके की छोट पर कहता है, मुखालिफत उस वक्त तक होती रहेगी जब तक लोग करीब नहीं आएंगे। ये तो पुरानी तारीख है, ये पुराना इतिहास है जी। तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में जब बहुत धमाल चल रहा था तो 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया जी 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 जी, और जब 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ तो चंद जुमलों की टीस ऐसी लगी कि आज तक कह सकते हैं लोग। मैंने साफ लफ्जों में कहा था जितनी मुखालफत करनी हो कर लो लेकिन एक बार कुरान सुन तो लो जी। वाह वाह वाह, कब बोलोगे? एक बार सुन लो तो बहुत सारे लीडर थे बोले एक बार सुन लेंगे तो क्या होगा जी। तब मैंने कहा वही होगा जो अरब में हुआ था। वाह 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 वाह, हक बात है हजरत, वाह वाह। अब जहन थोड़ा सा करीब करना, मुसलमान तू कितनी बड़ी दौलत छोड़ करके भटक रहा है। दुनिया में जितने मजहब की किताबें हैं किसी किताब ने पढ़ने की बात नहीं की है। इस्लाम तनहा मजहब है कि जब कुरान उतरा है तो काबे की अजमत वाली आयत पहले नहीं उतरी है, नमाज की फर्जियत का हुक्म नहीं उतरा, रोजे की फर्जियत का कानून नहीं आया। गोया कुरान ने यह साफ क्लियर कर दिया कि पढ़ करके समझो। जोर से, जोर से, जोर से। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं बड़ी विनती के साथ। जी जी जी। मौलाना बाद में मोबाइल चला लीजिएगा बाबू। इसी का असर है कि हमारे ये बच्चे रात दिन डब्बा में पड़े रहते हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज है तब ना हजरत रात दिन है। सही बात है, हक बात है। रिपोर्ट बता दूंगा ना होम डिपार्टमेंट की तो गैरत होगी तो किसी को नींद नहीं आएगी। और आप अपने उत्तर प्रदेश की खबर लीजिएगा तो तलवे जमीन पर पैर नहीं पड़ेगा। इस मोबाइल के डब्बे ने व्हाट्सएप के जरिए पता है 2020 और 21 में 4500 4500 बच्चियां या तो गैरों की बहू हो गई या मुर्तद होकर सड़कों पे भटक रही है। मर चुकी है तेरी कैला,
नबी के इश्क का, धोखा दे रहे हो अपने आप को। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक कुंवारी बेटियां छत पे रूम में सीढ़ियों पर रात को 2 बजे 2:30 बजे तक मोबाइल के डब्बे में लगी है किसी के बाप की औकात जो अपनी बेटी से पूछ सके कि रात को 1:30 बजे तू किससे बातें कर रही है? है किसी भाई के बाजुओं में ताकत जो अपनी बहन से पूछ सके कि मैं यही हूं, माँ यही है, अब यही है, ये रात को 1:30 बजे तू किससे बातें कर रही है? तेरे अंदर का ईमान वाला मर्द मर चुका है रे, ईमान वाला मर्द मर चुका है। भागते रहो गर्दन में बरकत की ताबीज, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी जी, क्या इतना हो जाएगा कि तावीज बेचने वालों की दुकान चल जाएगी। चल रही है जी, आपका कुछ नहीं होगा। जी 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 जी, मैं नहीं कहता तावीज मत लो, लो, लेकिन तावीज देने वालों से मैं पैर पकड़ के कहूंगा अब रहम कर दो मेरे बच्चों पर, अब रहम कर दो, मत विकलांग बनाओ मेरे बच्चों को। अगर बच्चे बरकत की इल्म की तावीज मांगते हैं तो लिख दो, और लिख करके कहो बेटा ये अल्लाह का कलाम है, तावीज तेरे लिए है, कलाम रहेगा चाहे जहां, तुझको फायदा पहुंचेगा, जा पहले 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़ के आ, पहले 40 दिन तक जमात से नमाज पढ़। बेशक बलियाबी का दावा नहीं ईमान है। क्या अगर वो बच्चा 40 दिन तक पाबंदी के साथ जमात से नमाज पढ़ लेगा तो फिर उसको तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस पानी पर दम करके दे देगा वो पानी तावीज का काम कर। वाह, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब। बचा सकते हो तो बचा लो मेरी मिल्लत की बेटियों को, उनकी क्या औकात जो मेरी बेटियों की हया और चादर पे बात करे, उसकी क्या औकात? ये मौका तुमने दिया, तुमने मेरी बेटियों की गैरत में आज भी हया और शर्म बाकी है रे जी, आज भी बाकी है, और वो इसलिए बाकी है कि माए पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन एहसास जिंदा है कि वो सैयदा फातिमा की कनीज है। वाह वाह वाह, और उसी एहसास का जो दूध पिलाया है ना, उस दूध की तासीर ये है कि आज भी वो बेटियां हया और शर्म का मुजस्मा है। आवारा तुमने बनाया, तुमने चंद पैसे क्या तेरी तिजोरियों में आ गए कि तुमने वो सारी हदें पार कर दी। मैं अपने जवानों से कहूंगा डरो मत, खौफ मत खाओ, मुस्तफापुर ताज के जवानों अगर तुम चाहते हो कि अपनी नस्लों को टूटने और डूबने से बचा लो तो बलियाबी की सिर्फ एक मान लो, सिर्फ एक। मौलाना 5 साल
के बाद इसका रिजल्ट दिखेगा 5 साल के बाद। जी 40 साल तुमने कांग्रेस को दे दिया, ठीक किया। 15 साल तूने मुलायम भाई को भी दे दिया, चल दे दिया। 5 साल 10 साल माया को भी दे दिया, चल ठीक है दे दिया। बलियावी सिर्फ तुझसे तेरी नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल मांगता है, वोट नहीं मांगा। तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांग रहा हूं, तुझसे तेरी औलादों के लिए। और इसका रिजल्ट 5 साल के बाद आएगा। सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम, निकाह को सस्ता कर दो। हक बात है हजरत, बहुत खूब, क्या नुक्ता है, वाह, बहुत खास पैगाम हजरत, बहुत खास। निकाह को वाह जी सस्ता कर दो। जी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन तलाक महंगा हो जाएगी। जी हक बात है हजरत, बहुत खूब, हक बात है। मौलाना लड़ाई तो अब शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बलिया भी छोड़ेगा नहीं। जी जुब्बा फाड़ के लोग तकरीरें करते रहे, कुछ आराम खोर लोग जिन्हें बिहार का ज्योग्राफिया और साइज नहीं पता, वो भी मुरादाबाद रामपुर में बैठ करके व्हाट्सएप फेसबुक पर बलिया भी के खिलाफ खंजर चलाते रहे। जी सही बात है। सीढ़ियों पर मैंने कहा था जिसको जो कानून बनाना है बना ले, बना ले। अरे मोटी किताब बांध के गले में घूमते रहो ना, मुस्तफा वाला वही करेगा जो कुरान और हदीस में लिखा है। बेशक 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 बेशक, बहुत खूब जी हक बात है। अगर वो गुफ्तगू सुनने का माहौल होता ना जी, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल और दफा के साथ में छक्के छोड़ाता। लेकिन वो मैदान मेरा स्पेशल है, जब अपने सरकार हक़ाए नेमत मुफ्ती आजम की चौखट चूम लेता है तेरा बलिया भी, तो कहता सोरमाओ आओ। गौर से सुनना, ऐसे माहौल में मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा भाई, मुश्किल है मेरे साथ। अब देखिए जिस बच्चे को मकतब नहीं जाता होगा, मोबाइल लेके बैठा है, क्या है ये, हम कहां दफन हो रहे हैं मौलाना? सही बात, कहां दफन कर रहे हैं हम अपनी औलादों को जिंदा? रात को 12 बजे 1 बजे 2 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है। काश माएं रात को अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर इतना कह देती कि बेटी इस डब्बा के जरिए बजाए आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता अल्लाह और तू अपने परवरदिगार से बातें करती तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, निजात का रास्ता भी साफ हो जाता। तुमने मौका दिया, जहेज की लानत ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। जहेज की लानत ने बेटियों को बोझ बना दिया। पता नहीं आपके मुरादाबाद में क्या है, नहीं है, मैं नहीं जानता। मौलाना जब बिहार में इदारे शरिया से हमने ऐलान किया, खबरदार कोई आलिम निकाह नहीं पढ़ाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो 4 सेठ ने मेरे आलिम को कह दिया इमामत आप नहीं करेंगे,
मैंने अपने आलिमों से इल्तिजा करके कहा था घबराना नहीं, वारिस अंबिया का रिस्क किसी सेठ की तिजोरी में नहीं है। बेशक। अरे उसकी क्या औकात जो आलिम पाल सके। जी आलिम पाल सके, जो अपना बेटा ना पाल सके वो आलिम पालेगा। वाह वाह वाह। लेकिन एक नेटवर्क सेट किया गया यहूदियों के जरिए। जी गौर से सुनना, यहूदियों ने एक सेटअप तैयार किया, स्पेन में तोड़ दिया इस्लाम को, अब दोबारा नहीं लौटेगा। भारत में घर और मकान जलाकर कमर तोड़ दी है, ये उठ नहीं पाएंगे। बर्मा में खून से जमीन लाल कर दिया, इनकी मांओं के हौसले टूट चुके हैं। लेकिन उन बावलों को शायद ये पता नहीं है कि इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जिससे इश्क होता है उसके लिए सब लुटाने के बावजूद भी एहसास होता है कि मैंने कुछ नहीं लुटाया। जिस कौम के दिल में नबी का इश्क बैठ चुका हो उसके लिए नबी अहमियत का हामिल होता है। बेटे की जान की कीमत नहीं होती, अगर जान की कीमत होती तो बद्र की वादी में, ओहद के मैदान में, खैबर की वादी में, करबला की जमीन पर यह तारीख पढ़ने को नहीं मिलती कि जालिम जुल्म करके थक गया, सब्र का झंडा न झुका सका। बेशक बेशक मेरे अजीज, बहुत खूब। बेशक रहम कर दो अब अपनी बेटियों पर और अपनी नस्लों पर। हम मुस्तफापुर ताज के नौजवानों से विनती करके कहेंगे कि जलसा खत्म हो, हर मोहल्ले से पांच पांच नौजवानों की एक टीम बनाओ, हर गली से पांच पांच नौजवानों की टीम बनाओ, और तुम्हारे गांव में जितनी मस्जिदें हैं सारे मसाजिद के अइमा को अपना सरपरस्त बना दो, और आप कहो हजरत पीठ पर आप खड़ा रहो, इस जहेज की लानत को जमीन से उखाड़ कर फेंकेंगे हम। मालूम है मौलाना जी, हर साल सबसे ज्यादा जमीनें मुसलमानों की बिक रही है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, हक बात। और सिर्फ इसलिए बिक रही है कि बेटी की शादी का मामला। कुंवारे बच्चों से कहूंगा अपने बाप से हाथ जोड़कर कह दो, आप मेरे अब्बू हैं, बेशक आपका बहुत हम पर हक है, बहुत हक है, हम आपके बेटे हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम आपकी औलाद हैं, रहम कर दीजिए, हमको बेचिए मत, और अगर बेचना ही है तो चंद लाख रुपये और एक चार चक्का पर क्यों बेच रहे हैं, अगर बेचना ही है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दीजिए। और ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली। जी 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 बेशक मौलाना, आज दिमाग इतना खराब हो चुका है कि लोग कहते कि इसलिए दौलत दे रहा हूं कि बेटी सुकून से रहेगी। जी 25 लाख क्या सोच के दिया, टाइल्स का मकान, ग्रेनाइट का बरामदा,
घर में कई कई गाड़ियां, मकान में एसी का प्लांट। मैंने कहा तुमने सब दे दिया मुसलमान, ईमान से बोल, तेरी बेटी अपने ससुराल जाए और तेरे दामाद का इंतकाल हो जाए, क्या ये 25 लाख रुपया तेरी बेटी को वो सुकून दे सकेगा? तब बलिया भी आपसे विनती करके कहता है रहम करो, बंदों के हाथ में रोजी नहीं है, रोजी का मालिक तो सिर्फ मेरा अल्लाह है, सिर्फ मेरा अल्लाह है। बात आई रोजी की तो मौलाना एक वाकया अर्ज कर दो। जी इरशाद इरशाद। आप लोगों ने तो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी रामा का नाम सुना होगा। जी 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 जी। आवाम जाने ना जाने, अगर आलिम है सुन्नी है तो वो तो जरूर जानता है। जी जी जी। ये और सी बात है कि बोलता नहीं है जी, लेकिन रईसुल कलम के एक जलजला ने मुनाजरे का दरवाजा बंद कर दिया। वाह 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 जी मौलाना। जी 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 बिल्कुल। ये उस जमाने की बात है जब मेरी रेखें निकल रही थी जी, और मैं अदारे शरिया पटना के मोहतमिम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाला था। अरे वाह माशाल्लाह। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत का पहला दारुल कजा माशाल्लाह अदारे शरिया पटना में सन 1968 में उसका पोस्टर मेरे पास है। वाह 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 वाह। जिसको जाना है जल्दी जाइए। मैं जान रहा हूं ना कि ये इसी तकरीरें जल्दी हलक के नीचे नहीं उतरती, चूंकि आदत है जन्नत की चाबी की। हंसी मजाक पसंद करते नहीं, नहीं वो मेरे उलमा की कमी है, 10 रहे हम उन पर बोलेंगे। जी जी बिल्कुल। सुनेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो ना सुनेंगे इंशाल्लाह। जी तो मोहब्बत से आगे से लेकर पीछे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था हुजूर, रईसुल कलम साहब वो आखिरी सफर था जी जी, पानी के जहाज से हाजियों के जाने का आखिरी सफर, आखिरी सफर। अरे वल्लाह। उसके बाद एक बार और गया, वो भी बंगाल से और मुंबई से जी। तो उस जमाने में हाजियों के लिए फॉर्म बहुत होता था, नाम नहीं आता था तो कुरानदाजी होता था। जी जी। आज भी होता है, आज भी होता है। गौर से सुनना रोजी, रोजी और रिस्क सुनना। एक बहुत बड़े सेठ थे उड़ीसा के, गुल मंजन की तरह गुड़ाकू कंपनी उनकी थी जिसका इस्तेमाल लोग करते मुंह धोने के लिए जी। बेटों की शादी याद कर लिए, बेटियों को रुखसत कर लिया, सारा काम से फुर्सत पा लिए तो सोचे चले हज को जी। और रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा बिहार हज कमेटी के मेंबर थे। जब कुरान दाजी में नाम आया तो हाजी साहब का नाम ही नहीं आया। अब हाजी तो पूरे साजो सामान के साथ निकले थे जी, जब नाम नहीं आया तो हाजी मेरा गट्टा पकड़कर बोलने लगा बलियावी जितना पैसा लगेगा दे दूंगा, किसी का फार्म खसकवा दो। मैंने कहा हाजी बाबा मेरे मुस्तफा के घर से बुलावा आ गया होगा तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर नबी ना बुलावे तो दुनिया की कोई ताकत बुला नहीं सकती। बोलो बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो सही है कि गलत है? बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का 3 मिनट। हाजी साहब सब्र करो, अब हाजी का कहना यह कि मैं घर जाऊंगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मना उना कर किसी तरह भेजा। हाजी साहब जो घर गए जी तो सर्दी के दिनों में
उमूमन लोग धूप में खाना खाना पसंद करते जी। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा ये जी, जी। आंखों देखा जी, दोपहर में खाना खा रहे थे मोटा चावल जी, इत्तफाक से सरक गया और सरका तो इतना जोर का कि नाक के रास्ते से चावल का एक दाना दिमाग की नस में जाकर चिपक गया। सुन मेरा रब रोजी कहां देता, बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब की कैफियत बिगड़ने लगी, हालत गैर होने लगी। हाजी ने तय किया कि अब मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा कि चले टाटा का हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, इलाज कराते। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे ही बेटे के हाथ में नो ऑब्जेक्शन का पेपर साइन करने आया, वैसे ही जी हाजी बोल पड़ा कि जब तू मेरी जिंदगी की जमानत नहीं लेगा तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आखिरी तमन्ना है कि मदीना देख लूं फिर मेरी मौत हो। आखिरी तमन्ना है। उसी दर्द की कैफियत में दो खादिमों के साथ हाजी चले हज को। जब फार्म भरा तो फार्म नंबर 1 उन्हीं का, कुरान दाजी हुआ तो नाम पहला नंबर उन्हीं का। जैसे ही बेटों ने रुखसत किया मुंबई के बंदरगाह से, बेटों ने कहा अब्बू बक से दवा भी खाना, खाना भी खाना। खादिमों मेरे वालिद के सेहत का ख्याल रखना, तुम्हारे लिए हज बदल का इंतजाम कर लिया है। मेरे बाप की वजह से तुमको भी हज की सआदतें मिल रही है। मेरे वालिद को दर्द और तकलीफ मत होने देना। हाजी जैसे ही चले तो पहला पड़ाव इनका मदीने तैयबा हो गया। जैसे ही हाजी पहुंचे हैं तो असर का वक्त है, सूरज डूबने के करीब है और रोजे रसूल पाके मुस्तफा रूबरू है। हाजी परेशान के पहले फर्ज अदा करूं या पहले इश्क अदा करूं? पहले फर्ज अदा करूं या इश्क अदा? पहले इश्क अदा करूं। दिल ने कहा दोनों में बाद में फैसला करना, पहले वजू तो कर ले, पहले वजू तो कर ले। जैसे ही हाउस पर मस्जिद नबवी शरीफ के वजू के लिए हाथ डाला है पानी में, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, जोरों की छींक आने का एहसास हुआ। तो जब छींक आती नहीं तो लोग पलट के सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज के शुआओं की गर्माहट से छींक जल्दी निकल जाती। जैसे ही हाजी की छींक फंसी है, सोचा कि जरा पलट के सूरज को देख लूं, तो आसमान का सूरज बाद में दिखा, नबुवत के सूरज का गुंबद पहले दिख गया। जैसे ही गुंबद खजरा से छन कर सूरज की किरणें हाजी के करीब आती है, इतना जोर से छींक आई, इतना जोर से छींक आई कि जो चावल का दाना भारत में लेकर दिमाग की नस में गए थे, हम मस्जिद नबवी के हाउस के सामने इतना जोरों की छींक आई कि उस छींक के रास्ते से चावल का दाना दिमाग की नस से बगैर ऑपरेशन के बाहर निकल गया। जैसे ही निकला वैसे ही हाजी मारे खुशी के इतरा इतरा के कहने लगा, वारे मेरे मसीहा, न चीरा न फाड़ा, कौन कहता है मदीने से शिफा नहीं मिलती, दर्द लेकर चला था भारत से, शिफा मिल गई है मुझको गुंबदे खजरा से। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क़े मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे ही हाजी ने सोचा इस चावल के दाना को मैं कब कागज में लपेट लू,
लू। जैसे ही कागज का टुकड़ा लेने बढ़े, गुम्बदे खजरा के झरोके से एक कबूतर आया और दाना अपने मुंह में लेकर चल दिया। अगर हाजी का एक साल पहले आ गया होता तो पता नहीं कबूतर पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था। बंदे के पैदा हुए मेरा अल्लाह रोजी का इंतजाम कर देता है। हम अपने ओलमा से अपील करेंगे, जवानों से विनती करेंगे, सर जोड़ कर बैठ जाओ, बैठ जाओ और ऐलान कर दो कि मेरी आबादी में खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। बेटियों को बेशक बेशक जिंदगी देना चाहते हो तो अमीरों की हवेली मत डूबो, गरीब का वो छप्पर तलाश लो जहां मौला अली का गुलाम रहा करता हो। और अगर बहू लानी है तो रंग और नस्ल और गोरेपन पे, तिजोरी और जहेज पे मत जाओ, वो छप्पर तलाश लो जहां सैयदा फातिमा की कनीज रहा करती हो। वाह 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 वाह। तो दामाद हो अली का गुलाम, वाह, और बहू हो फातिमा की कनीज, वाह, उससे पैदा होने वाली औलादों को तकरीर सुनाकर हुसैन का गुलाम नहीं बनाना पड़ेगा। बच्चे पैदा होंगे तो हुसैन का गुलाम होंगे। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, जहेज की लानत से बचो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। 5 साल आपने ये काम कर दिया तो 6ठे साल में आपके बच्चों को कोई हुक्मरान सत्ता का पावर दिखाकर खौफजदा नहीं करेगा। आपके बेटे इल्म की कलम की नोक से अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी जगह तशरीफ रखें, चूंकि जलसा खत्म नहीं हुआ है, मैं खुद आखिर में तकरीर करता लेकिन चूंकि मजबूरी है, कल हमको पटना भी पहुंचना है, फिर काम भी बहुत सारा चल रहा है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक दे। सलाम अलैकुम।